दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल अभिनय फैक्ट में। दोस्तों आज हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो यानी कि भाले फेंक में गोल्ड मेडल जीता है और ये हमारे देश के लिए पहला गोल्ड मेडल है जो इस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। दोस्तों ये गोल्ड टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड तो है ही, साथ ही साथ हमारे देश का एथलेटिक्स में जीता जाने वाला पहला गोल्ड है। यानी अभी तक हमारे देश के किसी भी खिलाड़ी ने एथलेटिक्स ओलंपिक में कोई पदक नहीं हासिल किया था और जब पदक मिला एथलेटिक्स में तो पहला पदक गोल्ड ही मिला। यह वाकई हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। दोस्तों इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत को गोल्ड दिलाया था और आज 13 साल बाद पुनः वही इतिहास नीरज चोपड़ा ने रचा गोल्ड दिलाकर, वो भी एथलेटिक्स में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है भारत की। और दोस्तों आज का दिन हमारे लिए वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण और खुशियों का दिन है क्योंकि आज हमारे देश ने दो मेडल जीता है। पहला नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है और साथ ही साथ बजरंगी पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस प्रकार हमारे देश ने इस ओलंपिक में कुल 7 पदक हासिल कर लिए हैं जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। दोस्तों मैं नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे शुरुआत की। हुआ यूँ कि वो अपने वेट को कम करने के लिए यानी वजन को कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया। वहीं पे कुछ एथलेटिक्स के मित्र मिले और उन्होंने जेवलिन थ्रू यानी भाला फेंकने की प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और इस कदर बढ़ा कि आज उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड दिलाकर हमारे देश को सम्मानित किया है। यह वाकई बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश को आज गोल्ड मिला, वो भी एथलेटिक्स में। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने केवल गोल्ड ही नहीं जीता है बल्कि 137 करोड़ लोगों का दिल भी जीता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमेशा की भांति मैं आपसे कहूँगा कि इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।